Hello and Namaste, myself Suraj M. Sao from Mind Magma, and in today's video we are going to cover about theory of rock breakage. Basically, we are going to make this video in two parts. So in first part, we are going to cover about factors affecting rock breakage and crater mechanism. Ke bare mein hum cover karenge. And in the next part, we'll cover about the theories of rock breakage. So let's start with this video. So first, we will know factors that affect our rock breakage. Ko. Jaise kuch factors yahan pe hamare saamne hai, jo ki hai geotechnical parameters, rock type, physiomechanical properties of rock, orientation of foliation, mineral composition और discontinuities. इसके बारे में थोड़ा सा हम part by part जानने की कोशिश करते हैं. First of all, पहले हम देखते हैं कि geotechnical parameters क्या होते हैं. Geotechnical parameters में हम consider करते हैं कुछ parameters को, जैसे कुछ parameters जैसे क्या rock property क्या है, rock property में rock material property क्या है, rock material property हम क्या बोल सकते हैं, जैसे उसका type, उसका कलर, साइज ऑफ पार्टिकल, टेक्सचर, साइज, ये सब चीज को हम कंसिडर करते हैं. दूसरा हमारा लिथोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसको देखा जाता है रॉक जियोटेक्निकल पैरामीटर्स में. एक हमारा पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, देन इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी. इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में डिफरेंस क्या होता है? इलास्टिसिटी में क्या होता है कि अगर कुछ एक्सटेंसिव मतलब बाहरी फोर्स से अगर कोई चीज को हम वो अपना शेप एलोंगेट कर रहा है या फिर वो एक्सपैंड हो रहा है, तो उसके बाद जब हम उस एक्स्ट्रा आउटकमिंग प्रेशर को हटाएंगे, उससे वो जो चीज है या फिर जो भी रॉक है वो वापस अपने रीगेन कर लेगा उसके नॉर्मल शेप. ये होती है इलास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी क्या होता है कि जब हम कोई चीज पे एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंशन तो हो रहा है पर वो वापस अपने रीगेन नहीं कर पा रहा अपने नॉर्मल साइज में. तो ये चीज भी दो फैक्टर्स होती है हमारी जो जियोटेक्निकल पैरामीटर्स में आती है. ये डिफरेंस था हमारा इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बीच में. अगला है अपना ब्रिटलनेस या फिर टफनेस, जो कि तो ये सारे जियोटेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं जिसके वजह से ये जो फैक्टर्स है जो जियोटेक्निकल पैरामीटर है ये हमारे रॉक ब्रेकेज में इंपैक्ट करता है. नेक्स्ट है हमारा रॉक टाइप. रॉक टाइप क्या होता है? तो बेसिकली एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो बेस होता है हमारा क्या हमारे जेनेटिक कैटेगरी क्या है उस रॉक की, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा कॉम्पोजिशन क्या है. जैसे अगर हार्ड रॉक हो गया तो उसका ब्रेकेज बहुत टफ होगा, सॉफ्ट रॉक हो गया तो बहुत आसानी से होगा. तो ये जो रॉक टाइप भी है ये भी एक फैक्टर है हमारा जो रॉक ब्रेकेज को इम्पैक्ट करता है. तीसरा है हमारा फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होते हैं? फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो दोनों है वो हमारा कैसे इसमें इम्पैक्ट करते हैं. तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे जैसे कि फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में होते क्या क्या है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा जैसे डेंसिटी हो गया, हमारा यूनिट वेट हो गया, हमारा पोरोसिटी हो गया, या फिर हमारा वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल वेलोसिटी, ये सारे फैक्टर्स हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं. दूसरा हो गया हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब हमारा यूनिएक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, फिर हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, हमारा पॉइंट लोड स्ट्रेंथ. तो ये सारे कुछ फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में आते हैं और ये सारे भी अफेक्ट करते हैं रॉक ब्रेकेज को. ये हो गया हमारा फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स. चौथा है हमारा, पांचवा है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ फॉलिएशन. ओरिएंटेशन ऑफ फॉलिएशन भी एक पैरामीटर है या फिर एक फैक्टर है जिस जो इम्पैक्ट करता है हमारे रॉक ब्रेकेज पे. फिर अगला है अपना मिनरल कॉम्पोजिशन. मिनरल कॉम्पोजिशन भी बहुत मैटर करता है. ये मिनरल कॉम्पोजिशन के वजह से भी रॉक ब्रेकेज में प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते हम, मतलब ये चीज अफेक्ट करता है रॉक ब्रेकेज को, आसान है या फिर टफ है इसके लिए भी. डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है? डिसकंटिन्यूटीज में क्या होता है, जैसे कि हम डिसकंटिन्यूटीज में बोल सकते हैं जॉइंट्स हैं. जॉइंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे बेडिंग हो गया, क्लीवेज हो गया या फिर एक्सटेंशन हो गया, ये सारे डिसकंटिन्यूटीज होते हैं. या फिर दूसरा होता है कि अपना डिग्री ऑफ जॉइंट क्या है, हमारा डिग्री ऑफ जॉइंट क्या है. जैसे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है अनवेदर्ड, एक होता है अपना स्लाइटली वेदर्ड और एक होता है अपना मॉडरेट वेदर्ड. इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अनवेदर्ड में क्या होता है कि उसमें नो साइंस ऑफ वेदरिंग, मतलब उसमें कोई साइंस नहीं होता वेदर का. ये हो गया हमारा अनवेदर्ड. दूसरा है अपना स्लाइटली वेदर्ड. स्लाइटली वेदर्ड में क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटीज जो होती है वो हमें दिख रही होती है पर वो और वो थोड़ी सी स्टेन्ड होती है और उसमें भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम जो डिसकंटिन्यूटीज है उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी फिल्ड होते हैं उस डिसकंटिन्यूटीज में या फिर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कह सकते हैं हम अलग मटेरियल उस पर होता है. तो वो हो गया हमारा दूसरा विच इज स्लाइटली अनवेदर. तीसरा है हमारा मॉडरेटली अनवेदर. मॉडरेटली अनवेदर में क्या मॉडरेटली अनवेदर में क्या होता है? मॉडरेटली अनवेदर में जो होता है उसमें स्लाइटली डिसकलर्ड होता है और इसमें भी जो डिसकंटिन्यूटीज होती है इसमें जो ऑल्टर्ड मटेरियल होते हैं वो सारे भरे होते हैं.
तो ये हो गया हमारा डिसकंटिन्यूटीज के बारे में। तो ये हो गए हमारे 6 फैक्टर्स जो हमारा रॉक ब्रेकेज को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट फैक्टर इज आवर जियोटेक्निकल पैरामीटर, सेकंड फैक्टर इज आवर रॉक टाइप, थर्ड फैक्टर इज फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, या फिर हम बोल सकते हैं फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। फिर हमारा नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ फॉलिएशन, फिर हमारा नेक्स्ट है मिनरल कॉम्पोजिशन, एंड द लास्ट वन इज द डिसकंटिन्यूटीज। सो ये हो गया हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रॉक ब्रेकेज। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज क्रेटर मैकेनिज्म। क्रेटर मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि अगर हम कभी भी एक्सप्लोजन करते हैं तो कभी कभी वहां पे गड्ढे बन जाते हैं, या फिर अगर हम थोड़े से साइंटिफिक वे में बोले या फिर थोड़ा सा वो मूवी टाइप में आपने देखा होगा कि कभी अगर मीटियोराइट अगर धरती पे गिरता है या फिर कभी भी कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव के वजह से सरफेस के ऊपर एक गड्ढा बन जाता है, एक बोल शेप क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन, इसी को हम लोग क्रिएटर बोलते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा क्रिएटर मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। फर्स्ट इज कोन शेप्ड होल इज मेड इन द रॉक बाय एन एक्सप्लोजिव चार्ज, मतलब कि एक कोन शेप्ड होल बनाया जाता है रॉक में और उसमें हम एक्सप्लोजिव डाल देते हैं। ये हो गया हमारा पहला चीज। अभी यह फॉर्म कैसे होता है, ये जो गड्ढा, ये जो हमारा एक राउंडेड शेप बोल शेप फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम क्रिएटर बोल रहे हैं, ये चीज फॉर्म कैसे होती है? तो इट इज फॉर्म बाय एन एक्सप्लोजिव इवेंट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट एंड इजेक्शन ऑफ मटीरियल फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जैसे कि एक्सप्लोजन होता है तो जैसे कि सारी चीजें इंटैक्ट है उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन के वजह से वहां पे जो भी मटीरियल साइड में जो पहले से सेट थे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे अपनी जगह से, और दूसरा जो है वो जो मटीरियल है वो इजेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड से बाहर आ जाए। और लास्ट पॉइंट है कि जैसे कि मैंने बोला कि इट इज टिपिकली अ बोल शेप, बेसिकली जब भी आप ये काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव देखोगे जिसका आउटपुट जो है वो एक क्रेटर शेप को जैसा दिखता है, उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है ये फट से हो रहा है, मतलब आपके सामने इसको पार्ट बाय पार्ट आपको नहीं दिखेगा जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इधर 5 स्टेप्स में जो हमारे लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है, ये आपके सामने फट से हो जाएगा। पर अभी इसको हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे ये चीज होती है स्टेप बाय स्टेप। तो 5 स्टेप्स में हम जिस चीज को कवर करेंगे। तो पहला स्टेप है ये कंप्लीटली कंटेन्ड, ओनली फेलियर इज पल्वराइजेशन नियर द चार्ज एंड रेडियल टेंसाइल। तो पहली चीज हमने क्या कर रहे हैं इसमें कि हमने अपने रॉक में कोन शेप ड्रिल किया और उसमें हमने अपना एक्सप्लोजिव डाल के वहां पे ब्लास्ट कर, वो फट गया। अभी पहली चीज क्या हो, अभी ये नहीं हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर फट गया तो गया सब तबाह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा होता है ऑब्वियसली, पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली चीज जैसी एक्सप्लोजिव होगी सरफेस हमारा अभी भी इंटैक्ट है, कंप्लीटली कंटेंड है, कहीं कुछ हिलना डुलना नहीं हुआ है, पर जहां पे एक्सप्लोजन था हमारा, जहां पे हमने अपना चार्ज किया था, उस जगह पे एक फेलियर होता है, वहां पे टूटना स्टार्ट होता है, वहां पे एक पल्वराइजेशन बोल सकते हैं हम कि वहां पे छोटे छोटे टुकड़े होने स्टार्ट हो जाती है। ये हो गया पहला चीज, जहां पे एक्सप्लोजिव हुआ वहां पे एक चेंज आया और वहां पे एक फेलियर हुआ। देन सेकेंड पार्ट इज स्टार्ट ऑफ सर्फेस फेलियर बट बर्डन इज नॉट ब्रोकन एंड सम डोमिंग ऑफ द सर्फेस। इसका मतलब क्या है कि अभी ब्लास्ट हो चुका है, नीचे का जो जहां पे वो एक्सप्लोजन हुआ उस जगह पे उसका जो स्ट्रेंथ था पहले वो अभी वीक हो चुका है क्योंकि टूट के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उस एरिया में। तो अभी वो अपने ऊपर का जो बर्डन है या फिर जो सरफेस है उसको वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी नीचे अगर टूट गया, अगर हमने कोई चीज ऐसे ऊपर रखी है नीचे टूट रही है तो हमारा ऊपर का भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, वो भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको जो सरफेस है वो सरफेस फेलियर स्टार्ट होता है, पर अभी जो पूरा बर्डन है वो अभी तक टूटा नहीं है, मतलब सिर्फ सरफेस अभी ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है, अभी बर्डन नहीं टूटा है, मतलब अभी बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप अंदर टूटा, सेम से हमारा सरफेस फेलियर होने लगा है, मतलब स्टार्ट होने लगा है अभी तबाही। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट, और इसमें क्या हो रहा है कि सम डोमिंग ऑफ द सरफेस, मतलब अभी धीरे धीरे आपको एक डोम बनता हुआ दिखेगा, डोम बनता हुआ मतलब वो जो मटेरियल है वो एक डोम शेप में आने लगेंगे, मतलब वो धीरे धीरे अभी वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है आप समझने की कोशिश करें तो। थर्ड पार्ट इज सरफेस एंड सब सरफेस फेलियर ऑलमोस्ट मीट एंड डोमिंग और सरफेस बल्जिंग। इसका मतलब क्या है कि अभी सेकंड स्टेप क्या था, हमारा सरफेस ब्रेक हो गया, अभी हमारा सरफेस और सब सरफेस भी टूट रहा है क्योंकि हमारा रॉक ब्रेकेज हो चुका है, अभी पार्ट बाय पार्ट ये टूटना स्टार्ट हो रहा है। जैसा अपना सरफेस पहले ब्रेक हो रहा था पर बर्डन नहीं हुआ था, अभी क्या हो रहा है अपना सरफेस और सब सरफेस है वो दोनों फेल हो चुका है, अभी वो टूटने लगे हैं नीचे आने लगे हैं और उसके ऊपर से क्या हो रहा है हमारा डोमिंग या फिर सरफेस बल्जिंग, मतलब हमारा जो है वो डोम फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं वो डोम फॉर्म होने लग गया। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप।
फोर स्टेप इज आर फुल क्रिएटर एंड द बर्डन इज कम्प्लीटली ब्रोकन आउट. मतलब इसका मतलब क्या है कि अभी जो है हमारा जो क्रिएटर है वो बोल शेप बन चुका है, और जो बर्डन था मतलब उसके ऊपर जहां हमने एक्सप्लोजिव किया वहां से ऊपर जो भी बर्डन था वो चीज अभी पूरी टूट चुकी है. अभी हमें पूरा वो सामने दिख रहा है कि कुछ गड्ढे जैसा है, कुछ गड्ढे जैसा बन रहा है, उसको हम बोल सकते हैं फुल क्रिएटर. और हमारा जो फिफ्थ स्टेप है विच इज फुल क्रिएटर लोअर वॉल्यूम देन ऑप्टिमाइज फ्रेगमेंटेशन. मतलब अभी क्या हो रहा है लास्ट में हमारा जब ये पूरा ब्लास्टिंग हो चुका है, अभी इसमें क्या हो रहा है जो पूरा क्रिएटर है वो तो हमारे सामने बन चुका है, और क्या है कि इसमें जो ऑप्टिमम फाइन फ्रेगमेंटेशन है वो भी कम हो रहा है. ये कम हो चुका है लोअर वॉल्यूम देन ऑप्टिमम फाइन फ्रेगमेंट, उतना एक लोअर वॉल्यूम हो गया है. तो ये हो गया हमारे फाइव स्टेप्स ऑफ क्रिएटर, या फिर हम बोल सकते हैं ये हो गया हमारा क्रिएटर मैकेनिज्म. तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं हम इस चीज को. क्रिएटर मैकेनिज्म में पहली चीज क्या होती है, कैसे होती है कि हम एक रॉक के अंदर एक कोन शेप होल बना रहे हैं और उसमें अपना एक्सप्लोजिव डाल के हमने ब्लास्ट कर दिया. जहां पे पॉइंट ऑफ ब्लास्ट था वहां पे पहली चीज क्या हुई, पहला फेलियर हुआ कि वो जो है उधर पल्वराइजेशन नियर द चार्ज एंड रेडियल टेंसाइल, मतलब जहां पे चार्ज हुआ था वहां पे थोड़ी सी तबाही मची, वहां पे वो वीक कर दिया अपने साइड में सारी चीजों को जो ऊपर वाली चीजों को सपोर्ट दे रही थी. नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, सरफेस फेलियर होना स्टार्ट हो गया पर बर्डन हमारा नहीं टूटा है और थोड़ा थोड़ा था वो डोमिंग ऑफ सरफेस हो रहा है. थर्ड स्टेप क्या हुआ, हमारा सरफेस भी गया, हमारा सब सरफेस भी गया और हमारा जो डोमिंग और सरफेस बल्जिंग है वो और अच्छे से आने लग गया. फोर्थ में क्या है, अपना फुल क्रिएटर हो चुका है, अपना बर्डन जो है वो पूरा टूट चुका है, अभी वो फुल क्रिएटर हमारे सामने दिख रहा है. और फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है कि जैसे ही ये फुल क्रिएटर हमारा हो गया और इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑप्टिमम फाइन फ्रेगमेंटेशन है उससे जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो चुका है. तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली क्रिएटर मैकेनिज्म. सो बाय दिस आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज क्रिएटर मैकेनिज्म एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रॉक ब्रेकेज. सो थैंक यू फ्रॉम माइंड मैग्मा.